प्रिंसिपल, आपका आरबीएस सच की आवाज में नेशनल में आपका स्वागत करती हूँ। नेशनल को आज से हम आपके लिए अपने शहर की हर क्षेत्र की खबरें लेकर हाजिर होंगे। आज हमारे चैनल के शुभारंभ अवसर पर चैनल के CMD संजय भारद्वाज ने चैनल के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी निवासियों का मैं संजय भारद्वाज अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ आरबीएस सच की आवाज पर। दर्शकों, आज से हम और आप एक परिवार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। आज से ग्वालियर चंबल संभाग की हर छोटी बड़ी खबरों, समस्याओं और उसके समाधानों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। हम शामिल होंगे आपके सुख और दुख में, आपका साथ निभाने के लिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका साथ, आपके सुझाव से हम ग्वालियर चंबल संभाग को तरक्की, खुशहाली, विकास के रास्ते पर लाने में सफल होंगे। हम अपने शहर को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, तकलीफ मुक्त बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, जिंदगी के सफर में, रोजमर्रा की दिनचर्या में, अपने आसपास, गली मोहल्लों में, गांव में, शहरों में, कभी स्वयं के साथ तो कभी किसी परिचित अपरिचित के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। कभी कभी हम बहुत दुखी, व्यथित, मन ही मन बहुत क्रोधित भी होते हैं। दिल चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि काश मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि इस अन्याय को, दोषपूर्ण व्यवस्था को खत्म कर देश को खुशहाली के, तरक्की के रास्ते पर बढ़ाऊं। पर ख्वाबों के टूटते ही हम जब यथार्थ के धरातल पर आते हैं तो स्वयं को बहुत कमजोर, असहाय और अकेला पाते हैं। हमारे दिल में उठते आवेश, भावनाओं के तूफान, जज्बातों के समंदर दिल में ही विलुप्त हो जाते हैं और हमारी आत्मा की आवाज आत्मा में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम उन सभी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगते हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है, पर हम कई दफ्तरों, अफसरों के पास जा जाकर थक जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी टूटती सांसों को उम्मीद की एकमात्र किरण के रूप में हमें नजर आती है मीडिया। जब पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन हमारे सामने आते हैं, हमारी समस्याओं को, परेशानियों को पूछते हैं, हमारे दर्दों, तकलीफों को करौंदते हैं, तो जवाब देते समय हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी आवाज अब तो शासन प्रशासन को सुनाई देगी, पर तब कोई सहारा नजर नहीं आता। तब किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता जब हमारी खबर गायब हो जाती है या बदल जाती है। ऐसे हालात में दर्शकों, जो हमने महसूस किया शायद आपने भी किया होगा, इसीलिए हमने संयुक्त प्रयास करते हुए आरबीएस सच की आवाज की शुरुआत की है और ये प्रतिज्ञा ली है कि बदनाम होती मीडिया को पुनर्जीवित करने का, लोगों का विश्वास अर्जित करने का प्रयास हम करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों की छोटी से छोटी तकलीफ, पीड़ा, दर्द को न सिर्फ शासन प्रशासन तक पहुंचाने बल्कि उसे दूर करने तक आवाज उठाते रहेंगे। हम वादा करते हैं कि पैसे के लालच में या किसी पावर के दबाव में कोई खबर न दबाई जाएगी न छुपाई जाएगी। गली मोहल्ले, गाँव शहर ही नहीं, देश के हर कोने में आरबीएस सच की आवाज सुनाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, आज से हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं आरबीएस सच की आवाज के चैनल के माध्यम से। इस चैनल का विरोचित होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पर हर क्षेत्र की, हर तरीके की खबर को दिखाया जाएगा, चाहे वो खबर किसी भी क्षेत्र, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखती हो, उस खबर को किसी भी स्थिति में ना ही रोका जाएगा ना ही दबाया जाएगा। इसी वादे के साथ आप सभी का शुक्रिया। आप इस चैनल को देखें और फिर हमें अपनी सुझाव और राय जरूर दें। धान को पकड़ के ले आए, उतने ले आओ, उस समय हिंदू। आरबीएस सच की आवाज चैनल की टीम ने लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर जाकर हर आम और खास खबर को समानता के साथ दिखाए जाने की शपथ ली। आरबीएस परिवार में जुड़ने के बाद आम जनता की समस्याओं को बगैर डर और भय के शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करेंगे जो समाज के अहित होगा। शहरवासियों ने चैनल के शुभारंभ होने पर चैनल का संचालक को, उसकी टीम व दर्शकों को अपने अपने अंदाज में बधाई देते हुए कहा। आज आरबीएस न्यूज चैनल आरंभ हो रहा है। मैं हमारे जिले वासियों को और आरबीएस चैनल को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये चैनल जो है
बेनिफिट और नए न्यूज़ चैनल आने से आपका ट्रांसपेरेंसी कवरेज ये सब बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शोक है इस लाइन में, आपके सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं। हमारे ग्वालियर में आज से RBS सच का चैनल की शुरुआत हो रही है। हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना है कि समाज में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सच्चाई को हमेशा सामने प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत शुभकामना। आज से ग्वालियर में जो सच चैनल के नाम से जो स्टार्ट होने वाला है, मैं उसके लिए हार्दिक मेरी शुभकामना प्रारंभ करने के लिए शुभकामना देता हूँ। आप इसमें अच्छी सफलता प्राप्त करें, अच्छा कवरेज करें, लोगों को जानकारी मिलेंगी, इससे बहुत अच्छा लगा अगर इसमें सभी लोगों को लगा, तो लाभ मिलेगा, देखेंगे इसको, समझेंगे लोग क्या क्या भिंड के समाचार मिलेंगे देखने। बिल्कुल, हमारा ब्यूरो बन गया है भिंड में। अच्छा, तो भिंड में भी ये टेलीकास्ट होगा। क्या नाम है? सच की आवाज़ के जो आज आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर और बहुत अच्छी शुरुआत है। इस संदर्भ में जनता की जो आवाज़ है उसकी वास्तविकता को जनता के सामने आप लाएं और सही रूप से दर्पण को जनता को दिखाया जाए, यही मेरी आपसे हार्दिक अपेक्षा है और यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। RBS चैनल ग्वालियर में नए शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। ये जो है ग्वालियर के न्यूज और आसपास की न्यूज को सही ढंग से प्रस्तुत करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। RBS सच की आवाज़ चैनल आप आज प्रारंभ कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सच के नज़दीक ही रहकर लोगों को अवगत कराते रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नारी के सम्मान में गुरुवार को जहां पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग एक साथ उठ खड़े हुए, वहीं ग्वालियर में ITM में छात्र छात्राओं ने नारी का प्रतीक जेंडर साइन बनाकर उसे दिया सम्मान। नारी के प्रति सम्मान और दुनिया भर में महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरोध में ITM यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोनोज 2013 फीमेल जेंडर साइन की आकृति ITM संस्था व अन्य संचालित संस्थाओं के स्टूडेंटों के सहयोग से बनाई। संस्था द्वारा इस आयोजन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नारी शक्ति के सम्मान में प्रदर्शित इस प्रतिकृति को बनाने में 3,939 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इनमें 3,213 ITM तथा 726 अन्य स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल थे। इस प्रकृति को बनाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। यह आयोजन ग्वालियर कलेक्टर पी नरहरि, डॉक्टर भागवत गीता नरहरि, समीक्षा गुप्ता, SBI के रीजन AGM KK जगपाल, AGM RV मिश्रा, ITM के CMD रमा शंकर सिंह, दौलत सिंह चौहान और योगेश उपाध्याय आदि सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। 14 फरवरी ITM यूनिवर्सिटी और उसके के तत्वावधान में बहुत सारे कॉलेजेस के साथ में एक महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ यहाँ के स्टूडेंट्स में मिलके एक ऐसे समर्पण के दृष्टि से जो ह्यूमन फॉर्मेशन मानव एक संरचना यहाँ पे बनाई है, ये मैं समझता हूँ कि ग्वालियर के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। और पूरे देश भर में और पूरे दुनिया में जो है आज 1 बिलियन राइजिंग ये कार्यक्रम भी जो है आयोजित हो रहा है। यहाँ से ग्वालियर से जो है इस तरह का ह्यूमन फॉर्मेशन जो है ये दर्शाता है कि हम सब जो है महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं के होने वाले हिंसा के खिलाफ जो है हम सब खड़े होते हैं और साथ ही जो है हम महिलाओं को जो है सम्मानपूर्वक न केवल देखते हैं बल्कि जो है उनका अस्तित्व का भी जो है हम सम्मान के साथ गौरव महसूस करते हैं। तो ये उसका संदेश है और मैं हमारे पूरे ग्वालियर वासियों से जो है आह्वान करता हूँ इस अवसर पर कि हमारे यहाँ जो है समाज से जो है
महिलाएं और बच्चियों के प्रति किसी भी स्तर का जो है कोई भी हिंसा ना हो और सब लोग मिलकर जो है इसको काम करें। लेकिन बात करें रिकॉर्ड की तो ग्वालियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड काम कर रहा है, इससे पहले स्माइली वर्ल्ड बनाएगा, इसके बाद आज फिर ये सुन रहे हैं। नहीं डेफिनेटली देखिए इस तरह के जो है हर छोटा स्टेप जो है अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और ग्वालियर जो है इस तरह का जो है हर साल कुछ न कुछ इस तरह के बड़े काम करते हुए ये दर्शा रहा है कि हम सभी जो है संवेदनाओं के प्रति जो है संवेदनशील और डेफिनेटली जो है ग्वालियर का नाम अपने आप में जो है और बेहतर रूप से जो है इतिहास में जो है रचा। हमारी पूरी टीम है, हमारे यहाँ के डायरेक्टर सौरभ शर्मा और ये हमारे ईशु यादव, मनीषा, आकांक्षा और ये हमारे शांति सर है और हम लोगों ने ही मिलकर इस इवेंट की कोरियोग्राफी सेट करी है। पिछले 5 दिन से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। करीबन 60-70 स्टूडेंट्स थे हमारे साथ जो इस कोरियोग्राफी को सीखा था और काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी प्रैक्टिस करी है एंड सक्सेसफुली आज ये इवेंट बहुत अच्छा रहा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है जो उसको सही लगे आपको इस साल इनाम मिल गया है, इसके लिए आप कैसा लगा? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, बहुत ही प्राउड वाली बात है। इतने बड़े इवेंट के साथ लास्ट ईयर स्माइली का आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया, इस बार ये महिलाओं के उसमें फेवर में किया, अब आगे का क्या है? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द क्राइसिस, पर फिर भी हम बहुत कुछ करेंगे इससे भी बड़ा बिगिनर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। SRS सेवा संस्थान के बैनर तले बेस्ट मॉडलिंग हंट का आयोजन 25 फरवरी को ग्वालियर में होगा। 25 फरवरी 2013 को मिस्टर एंड मिस सिंबल्स ऑफ स्टाइल सिटी का आयोजन होने जा रहा है। इसके ऑडिशन होटल रॉयल इन में 12 फरवरी से 16 फरवरी तक होंगे। इसका समय प्रातः 11 से साय 5 तक का रखा गया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया, थीम रखनी है, एक इंडो वेस्टर्न है, एक ब्राइडल और एक फंकी थीम, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे इंडो वेस्टर्न में हम वेस्टर्न और जो हमारी इंडियन थीम है उनको मिक्स करेंगे, ब्राइडल में हम टोटल इंडियन थीम को बेस्ड होकर करेंगे और फंकी में हम टोटल वेस्टर्न दिखाएंगे। शो कब आयोजित किया जाएगा और कहां कहां से अभी जो कंस्ट्रक्शन है कहां कहां से आ रहे हैं और किस तारीख? और शो 25 फेब को बैजताल में जो मतलब इसको कहते हैं पानी को रैम है ना, पानी वाला उस पर फ्लोट रैम उसके ऊपर किया जाएगा और लगभग सिटी से सभी जगह से सभी कॉलेजेस से स्कूल से जो भी अबव 18 ईयर्स स्टूडेंट हैं वो सभी आ रहे हैं। क्या मतलब कहाँ से आपने सोचा इसके बारे में किस तरीके से इसको और वैसे हम सभी लोग एक सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर दिखाना चाहते हैं लोगों को। हम पिछले 3 सालों से गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं, हमने खुद की अपनी निजी 2 एम्बुलेंस लगा रखी है कि आसपास के राहपुरा के आसपास के जितने भी गाँव हैं कोई भी अगर बीमार हो सीरियस कंडीशन में फ्री कॉलेज आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं 30-35 उनको जिनका कोई नहीं अनाथ है उनके लिए अनाथ आश्रम बना रखा है, उनके खान पान उनके रहे स्वास्थ्य लेके और अच्छे से अच्छे उनको शिक्षा मिले और चिकित्सा मिले सारे क्षेत्रों में हम ही कार्य कर रहे हैं पर्सनली। अब हम चाहते थे क्योंकि पैमाना बढ़ता जा रहा है तो अब सरकार भी हमें सहयोग करें तो इसको लेके हम बड़े पैमाने एक मंच चाहते थे और मुझे लगता है ग्लैमर से अच्छा आज की डेट में कोई मंच नहीं है क्योंकि ग्लैमर ऐसा है जिसको सभी पसंद करते हैं, आज के यंग जनरेशन हो या ओल्ड हो या कोई भी जनरेशन हो। स्टॉपर के रूप में आप किसे बुला रहे हैं और कौन अभी? मिस्टर नितिन पाराशर तो बिल्कुल मेल में फिक्स हो गए हैं एंड फीमेल में अभी चल रहा है हमारा, उनके बाद हमने डिसाइड नहीं किया है, अभी डिसाइड कर लोगों से बात, शायद हमारा कल तक डिसाइड हो जाएगा। आज की झलकियों में सिर्फ इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।